success touches your feet when you work hard and when you fully dedicate yourself to what you are passionate about. Dr. Jayantilal Gada was invited by Harvard Kennedy School, Boston to deliver a speech. Dr. Jayantilal Gada has proved, if you have faith and believe in yourself, then you can achieve anything and everything in life. सबसे पहले थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि हर यंगस्टर ऐसा अगर सोचे कि 20 से 25 साल की उम्र में अगर कि उसको क्या करना है, तो मीडिया सबसे बेस्ट बिजनेस है। ये रिस्की है, सब लोग बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसको अगर बराबर से कैलकुलेशन किया जाए तो बिल्कुल रिस्क नहीं है। नहीं, फॉर्मूले का बताइए। पहले मतलब आप 10 करोड़ लगाए थे तो आप डूब भी सकते थे या फिर 100 करोड़ कमा सकते थे? ये अच्छा सवाल है। इसको बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसको कम रिस्क लेना है वो सीधा डिजिटल पे 10-20, जैसे हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री शुरू हुई थी तो 40,000 कमीशन पर एपिसोड शुरू हुई थी और अभी वो चले गए 40 लाख तक। तो डिजिटल शुरू हुए बहुत बड़े पैक से। तो जिसको लगता है कि हाँ, मेरे को 10-20% मार्जिन में प्रोडक्शन हाउस खोल के खुश रहना है, उसके लिए तो ये बेस्ट मॉडल है। At one of the most prestigious institution of the world, Dr. Gada spoke about his life and gave numerous tips on how to get into Bollywood as the industry is rapidly changing. जब वीडियो का टाइम था तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि मेरे को मौका मिला धीरूभाई शाह, वहाँ मीडिया किंग थे 80s के। उसके बाद सुभाष चंद्र गोयल आए 90s में, जो इंडिया में सैटेलाइट चैनल लेके आए, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला 2004 से 2016। और मैंने 3,000 करोड़ से ज़्यादा फिल्में खरीदी उनके लिए और जी सिनेमा एक चैनल से बना के 11 चैनल मूवी चैनल बन गई। जब हमारा टाइम आया फिल्म बनाने का तो हमने पहली फिल्म कहानी बनाई 2012 में। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसमें कुछ बेचने लायक नहीं था। एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे बेचेंगे और कैसे लोग फिल्म देखेंगे। ये जर्नी स्लो स्टडी करते गई और बड़े रिस्की चैलेंजेस लेते गए। और जी अभी मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि उनके साथ ये कंटेंट का धंधा सिखाते हैं, क्योंकि कंटेंट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ना था ना होगा। जैसे आज राजा मौली जी ने हमें दिखा दिया कि प्रभास को कोई जानता नहीं था हमारे नॉर्थ में, आज उससे बड़ा कोई स्टार नहीं है। तो कंटेंट सबसे बड़ा किंग है और किंग ही रहेगा। कितना मल्टीप्लेक्सेस ने बदला ये सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस और उससे कितना फर्क पड़ा सिनेमा को? थिएट्रिकल जो आप बता रहे हैं एकदम राइट बात है। इसीलिए जो पहले 1500 चेयर की सिंगल स्क्रीन होती थी वो अभी 150 पे आ गई है मल्टीप्लेक्स होते हुए। गदर जब रिलीज हुई उसके टिकट नहीं मिलते हुए भी मतलब स्टेयरकेस पे भी लोग बैठ के पिक्चर देखते, ऐसा टाइम भी देखा हमने। और उसके बाद जब आप बात बता रहे हैं कि अभी चेंज कितना हुआ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कंटेंट अगर मतलब कितने रुपये का बने वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको मतलब किस तरह आप बोल रहे हो, नयापन है कहानी बोलने का। तो जैसे कहानी बनी थी 6 करोड़ रुपये की 2012 और उसने भी 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस लाई थी। जैसे अगर छोटी फिल्में देखें, स्त्री, अंधाधुन या उरी, ये सब फिल्में छोटे बजट में बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस लाई है, वो भी थिएटर से ही लाई है। High school education in Gujarati medium, Dr. Jayantilal Gada began his career by opening a small video library in his father's tiny grocery store in Mumbai. मेरी जर्नी वैसे रही है वीडियो लाइब्रेरी से, क्योंकि किराना स्टोर मेरे फादर का था, वहाँ मैंने वीडियो लाइब्रेरी बनाई। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं जिन लोगों की वीडियो कैसेट हायर पे देता हूँ
उन लोगों के साथ फिल्म बनाऊंगा जो अभी मैं बना रहा हूँ। Today, Dr. Jayantilal Gada is one of the Bollywood's renowned film producer and distributor. He is the founder of India's popular entertainment network, PEN. Congratulations, Dr. Jayantilal Gada, for adding another feather to your success hat.